हेलो लव, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग स्टैरो जी। आपके पर्सन की एनर्जी निकालने लगे हैं हम कि किस हद तक आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, इसी ट्रस्ट वर्दी आर यू गाइज मेड फॉर ईच अदर और नॉट। ओके, तो या क्या आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहे इस तरह की कोई चीज़। लेट्स चेक आउट हिज एनर्जी, किस हद तक लॉयल है। मून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, स्टार, फोर ऑफ कप्स। सो माई लव, आपके पर्सन पे जो ट्रस्ट करने का लेवल है आपका, दैट इज़ अ बिट क्यूरियस या थोड़ा सा शेडी है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी आपको ऐसे लगता है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो लाइक ही इज़ हाइडिंग समथिंग, कि ये मुझे पूरी बात नहीं बताते, या आपको गिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप फिर डर जाते हो कि मतलब पता नहीं अब क्या होगा। आपको शक आते हैं, आप डिसअपॉइंटेड भी रहते हो, ठीक है। आपको कभी कभी लगता है कि लाइक पता नहीं गलती ना कर बैठूं, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल है, कि कहीं मेरा ये डिसीजन गलत तो नहीं है इसके साथ रिलेशनशिप बनाने का। इस तरह की आपको ना उल्टे सीधे काफ़ी ज़्यादा ख्याल आते हैं। और कुछ लोग तो दे हैव ब्रोकन अप विद देयर पार्टनर, क्योंकि आपको ऐसे लगा कि उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। कुछ लोग ब्लॉक हैं, कुछ आप लोगों ने खुद ही ख़त्म कर दिया, या उन्होंने ख़त्म कर दिया, या घर वाले इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों की तरफ से ही हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप को ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू उनको भी कभी कभी हो जाता है आपकी ये लापरवाही, बेपरवाही की, बेरुखी की वजह से, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इंसान के दिल में ना कोई क्रोध नहीं है, इस इंसान के दिल में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड है। हाँ, ये कभी कभी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, जिसको TMI भी कहते हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन। लाइक कभी कभी उनको वो नहीं, जो कहना नहीं चाहते, लेकिन ये कह देते हैं। लेकिन फिर बाद में ये बहुत परेशान रहती है, मैंने क्यों कह दिया, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है माय डियर व्यूअर, बट फिर भी हम चेक करते हैं, क्योंकि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स है, ही इज़ हाइडिंग समथिंग। लेट मी चेक आउट, ये छुपा क्या रहे हैं आखिर आपसे। स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी कि क्या छुपा रहे हैं ये। अच्छा गाइज, ये जो फजूल किस्म के आपको शक होते हैं ना, ये मेरे से कुछ छुपा रहा है, ये सिर्फ ये छुपा रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ छुपाते हैं आपसे। ये आपको वो बात नहीं बताते जो असल होती है, कि कहीं आप भी परेशान हो जाओगी, आप कहीं छोड़ ना जाओ उनको, आप लड़ने ना लग जाओ तो। लेकिन होता वही है, आप फिर लड़ते हो उनसे। लेकिन ये इतने बर्डन में है, ये इतने परेशान है, टेन ऑफ वैंड्स इज़ टू मच स्ट्रेस्ड आउट, कि उनसे वज़न ही नहीं उठाया जा रहा अपनी प्रॉब्लम्स का। और कहीं ना कहीं सफरिंग मेंटली एज वेल, लेकिन ये आपको नहीं बताते, ये आपसे छुपाते हैं ये चीज़, कि पता नहीं क्या रीज़न है छुपाने की इनको। यहाँ ये डर है आप छोड़ कर चले जाओगे,
या इनको ये डर है कि आप अपने घर में ना बता दो, या इनको ये डर है कि आप उनको गलत समझोगे, या आप उनको एक कमज़ोर इंसान समझोगे कि जिसको अपनी तकलीफ़ों से लड़ना ही नहीं आता तो मेरे लिए क्या लड़ेगा ज़िंदगी में। बहरहाल इस वजह से ये ना आपको पूरी बातें नहीं बताते, लेकिन इनको कुछ डर है। मून, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ हिज फियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, क्या फियर है इनको? वही दोस्ती छूटने का आपसे, क्योंकि आई थिंक आपसे ज़्यादा अच्छी इनको दोस्त नहीं कभी मिली है। लवर की हम बात लाद हैं, आपकी दोस्ती बहुत है इनसे। ये अपना बचपन का बहुत देर का दोस्त नहीं खोना चाहते। दैट्स वाई ही इज़ लाइक दैट, दैट्स वाई ही इज़ हाइडिंग, ही इज़ जस्ट बींग अ डिफरेंट फ्रॉम यू। लेकिन द थिंग इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है। लेट्स चेक आउट क्लैरिफाई क्या ख़त्म हो रहा है ये इनकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, गाइस जल्दबाजी की जो इनकी आदतें थी ना, जल्दबाजी में डिसीजन, ये हो गया वो हो गया, जल्दी से करो, इमेचोरिटी ख़त्म हो गई, मेचोरिटी की तरफ जा रहे हैं। बट ही इज़ डिसअपॉइंटेड। फोर ऑफ कप्स, लेट्स सी व्हाट इज़ हिज डिसअपॉइंटमेंट। स्पिरिट प्लीज़ गाइड दिस ग्रुप, इनकी डिसअपॉइंटमेंट क्या है? ओ गॉड, कोई झगड़ता है इनसे, वो लड़ता है इनसे जिससे बहुत तंग है। एक्स एक्स हो सकती है इनकी, या आप भी हो सकते हो अगर आप झगड़ते हो, नहीं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है। लेकिन इनसे कोई झगड़ता है जिससे बहुत तंग है। समबडी रियली फाइट्स विद हिम, उससे ये बहुत तंग है इंसान की, क्यों लड़ता है मेरे से। तो 10 ऑफ कप्स, ये ना ऐसे हैप्पी फैमिली मांगता है पर्सन, के रोमांस हो, कपल खुशी खुशी बैठा हो, बच्चे साथ बैठे हों, साथ फ्रूट्स हों, खाना पीना हो, मज़े कर रहे हों, ये चीज़ मांगता है ये पर्सन, जो उनको नहीं मिली आज तक भी। जहाँ तक ट्रस्ट वर्दी होने का ताल्लुक है, लेट मी चेक आउट द कार्ड्स, इज़ ही ट्रस्ट वर्दी? यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इससे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पूरे डाक में कोई नहीं होता पाए, ठीक है? तो बात यह है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये सबसे बड़ी कन्फर्मेशन है कि ही इज़ ट्रस्ट वर्दी। मतलब जो चीज़ वो छुपा छुपो रहे हैं ना, वो उनकी वजह और है, उसकी वजह ये नहीं कि चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर हैं, इनकी एनर्जी यही है कि ही इज़ एब्सोल्युटली ट्रस्ट वर्दी पर्सन, टू मच ट्रस्ट वर्दी। एट ऑफ पेंटिकल्स, या अगेन पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी है, अगेन कमिटमेंट है, अगेन कि ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, आपके लिए ये कुछ भी कर जाएगा इंसान, आपके लिए ये इंसान कुछ भी कर जाएगा, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सोर्स ऑफ मनी, आपके फाइनेंशियल हालात ठीक हो जाएंगे इनके साथ शादी करने के बाद, या जो भी है। किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करता है आपसे, आपकी ना सोच इधर ख़त्म होती है ना, उतना प्यार करता है आपको। और ये रोमांटिक भी बहुत है, इमोशनल भी बहुत है। दो किंग एनर्जी आ गए हैं, 110%, आई कैन 1000% से कि ये जो भी आपके पर्सन है, यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन मैरी हिम। और आप फजूल किस्म के इन पे डाउट्स ना थ्रो करें, ये किसी मेंटल प्रॉब्लम में है, ओके? इनकी कुछ अपनी रीजंस हैं। वो एम्परर, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, ऑल अबाउट कमिटमेंट, ऑल अबाउट के जो इंसान आपका ही है, कहीं है नहीं जाने वाला। डू वट एवर। टू ऑफ कप्स, सी आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी टाइम गुजारना चाहते हैं। तो पेज ऑफ फैंस, पैशनेट है,
एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, और एक नया प्रपोज़ल आने लगा है आपके लिए इनकी तरफ से, एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू प्रपोज़ल इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड जजमेंट, कोई फ़ैसला लिया है आजकल में इन्होंने आपके लिए, आपकी ओर। मे बी ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, गिव यू कमिटमेंट, मे बी ही रियली वॉन्ट्स टू बी योर्स। ओके, लेट्स चेक आउट कि ये डिसीजन क्या है इनका, ओरेकल से चेक करते हैं। हैव फेथ गाइज, देखो ट्रस्ट की बात थी ना, तो आपके लिए ओरेकल से मैसेज आया कि ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ठीक है, उनके जो भी सिचुएशन है आप विश्वास रखो, कुछ नहीं होता, ही इज़ योर्स, यू आर हिज। ओके, लव मेक्स द डिफरेंस, बस आप लविंग एनर्जी में रहो, स्पेशली अगर आप 31 ईयर एज के हो ना, 30 प्लस हो, डेफिनेटली बस जस्ट हैव फेथ। आप इनको पसंद बहुत हो गाइस, मोहब्बत की दूर की बात है, आप उनके दोस्त हो सबसे पहले। हाँ, मुझे दिस इज़ द राइट वर्ड कि ना, आपके साथ इनका दिल बहुत लगता है या लगेगा, तो दिस इज़ व्हाट ही इज सीइंग। ट्रायर योर लव्ड वंस, गाइस ये बहुत लविंग है, स्पेशली आपके घर वालों के साथ इनका बिहेवियर कंडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ही विल बी सो मच लाइक, इनकी आवाज़ बहुत पोलाइट है, इनका बोलने का अंदाज़, और ये लविंग है, इनकी लव लैंग्वेज बहुत रोमांटिक है। न्यू लव, एक न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, इवन इफ़ यू आर सिंगल, स्टिल दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग, ट्रस्ट वर्दी है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल जी, ऐसे ना आपकी लाखों दिनों की थकावट जैसे उतरती है ना एकदम से, किसी के आने की वजह से, दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़ विद यू। ओके, आपको लगेगा कि पता नहीं सदियों की थकावट उतर गई है इनकी बाहों में आके, राइट? तो देखें क्या कहना चाहते हैं आपको पर्सनली। तुम हमेशा से ही मेरी ख्वाबों में आती हो, दिस इज़ फॉर सिंगल्स या कमिटेड भी हो सकते हैं। यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी लाइफ लाइन हो तुम, मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ। यू आर माई लेडी लव। ओके, योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस, ये कहते तुम्हारी स्माइल बहुत जहरीली है मतलब इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन हो जाएगा मेरे को। आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ कि हमारा यूनियन हो जाए, या करती हूँ जो जिसके लिए भी आप देख रहे। कैन आई हग यू, डाइंग फॉर योर हग, व्हाट इज़ दिस, आई विल रियली मैरी यू सूनर और लेटर। तो या माई हार्ट इज़ बर्निंग विदाउट यू, दिल जल रहा है उनका आपके बिना। यू आर हिज चॉकलेट, आप उनको चॉकलेट की तरह के लगते हो, मीठे मीठे। कुछ लोग हो सकते हैं आपका थोड़ा कम्प्लेक्शन थोड़ा सा आंवला है, इसलिए भी चॉकलेट लगते हो आप उनको। डिनर डेट के लिए कह रहे हैं कि चलें दोनों, क्या कहती हो, आती क्या खंडाला? ओके, कहती मैं तुम्हारी शादी के बारे में ना बहुत डे ड्रीम करता हूँ, तो मेरी राजकुमारी हो और मैं तुम्हारा राजा, तुम जैसी हो ना मुझे वैसी ही बहुत पसंद हो, कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दोनों आँखों पे अडोरेबल किसेस, तुम्हारी आवाज़ बहुत अडक्टिव है, अडक्टिव अडक्शन। तो लो जी, आपके जूसी लिप्स पे जेंटल किस फ्रॉम योर लवी डवी हबी। चॉकलेट चिप आइसक्रीम लगते हो आप उनको, चॉकलेट की बहुत बात आ रही हुई, चॉकलेट पसंद है क्या आपको? तुम्हारी खुशबू में मैं डूब जाता हूँ, आई एम इन लव विद योर फ्रेगरेंस। ओके माई लव,
So this was your reading. I hope that you like it. And if you like, you can subscribe to get more readings like that. And until next time, take care. Bye-bye. Ciao.